हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वीटी बढ़ालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन्स के बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं अमीन्स की रिएक्शन के बारे में कि अमीन्स केमिकली कैसे कैसे रिएक्ट करता है, तो उसके टोटल हमारे पास 7 मेथड्स होते हैं डिफरेंट, जिसमें से वन बाय वन हम लोग डिटेल में सारे रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस या इसके केमिकल बिहेवियर को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन। तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ देखते हैं कि जो अमीन होता है, अमीन में नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, लुइस बेस की तरह एक्ट करता है। तो जितने भी इसको एसिड दिखते हैं, स्पेशली मिनरल एसिड, उसके साथ जल्दी से ये रिएक्शन शो करके क्या बना लेता है, सॉल्ट। ठीक है, फिर इसी में बेसिसिटी ऑफ अमीन्स में ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई अमीन, अगर हम बात कर रहे हैं एलिफैटिक की, कि एलिफैटिक अमीन में और अमोनिया में कौन अच्छा बेस होता है। और फिर उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे कि एरोमेटिक अमीन में और अमोनिया में कौन अच्छा बेस होता है। फिर साथ ही साथ हम इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर भी डिस्कस करेंगे कि गैस की फॉर्म में अगर अमीन है तो उनका क्या ऑर्डर रहेगा, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन में से कौन अच्छा बेस होगा। फिर सिमिलरली हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम इनके बेसिसिटी ऑर्डर की बात करें तो क्या वो ऑर्डर सेम रहता है जैसा कि वो गैशियस फेज में शो करते हैं या फिर डिफरेंट होता है, और डिफरेंट होता है तो किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है, और फिर उन फैक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अमीन्स में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में से कौन अच्छा बेस होगा और कौन वीक बेस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकेंड मेथड है हमारे पास एल्काइलेशन। आपको पता है एल्काइलेशन और एसाइलेशन कि ये आप 11th से पढ़ते आ रहे हो। एल्काइलेशन रिएक्शन हमारी क्या होती है, जब हम एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सिमिलरली एसाइलेशन रिएक्शन हमारी कौन सी होती है, जिसमें हम एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो इन दोनों रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि भाई अमीन्स कैसे, जैसे यहाँ पे एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, एक एक हाइड्रोजन हटता जाएगा, एल्काइल ग्रुप जुड़ता जाएगा। सिमिलरली एसाइलेशन में हम लोग देखेंगे कि भाई वो कैसे एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, या फिर किसी भी जैसे एसिड हैलाइड्स हैं जो उसको एसाइल ग्रुप देने की टेंडेंसी रखते हो, उनके साथ वो कैसे रिएक्शन शो करेगा। एसाइलेशन में ना आप एक और रिएक्शन भी पढ़ोगे, बेंजोइलेशन। और बेंजोइलेशन रिएक्शन जब हम कराते हैं NaOH, NaOH को बेस मान के उसकी प्रेजेंस में जब हम बेंजोइलेशन रिएक्शन कराते हैं तो उसी रिएक्शन का नाम बन जाता है स्कॉटन बॉमन रिएक्शन, जो कि नेम रिएक्शन है तो पेपर में पूछी जाती है। जब मैं कराऊंगी तब आप लोग देख लेना, अभी तो मैं बस एक आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि भाई इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। फिर है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसको हम प्राइमरी अमीन डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। सिर्फ प्राइमरी अमीन ही कार्बाइल अमीन रिएक्शन देते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन नहीं देते। कार्बाइल अमीन रिएक्शन में बनता है आइसोसाइनाइट। क्या बनता है? आइसोसाइनाइट। ठीक है, तो ये कन्वर्जन्स में और वैसे भी डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं कि बताइए कार्बाइल अमीन रिएक्शन क्या होती है। क्लोरोफॉर्म के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं प्राइमरी अमीन के, तो आइसोसाइनाइड बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। फिर आता है हमारे पास रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड हम किसको कहते हैं? HNO2 को। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं प्राइमरी की, सेकेंडरी की और टर्शरी अमीन्स की, इन तीनों का रिएक्ट करने का तरीका नाइट्रस एसिड के साथ अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग तरीके से नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन शो करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आता है। फिर आता है हमारे पास रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। इसको आप अगेन मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस में भी होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की रिएक्शन कराते हैं। तो ये भी हमें क्या करता है, एक है जो हमें पीपीटी देता है वो सॉल्यूबल रहता है अल्कली में, फिर एक है जो हमें पीपीटी देता है वो इनसॉल्यूबल रहता है अल्कली में, फिर उसके बाद एक है टर्शरी अमीन होता है जो रिएक्शन ही शो नहीं करता। तो ये भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में डिस्टिंग्विश करने में काफ़ी ज़्यादा काम आती है ये वाली रिएक्शन। ये आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस में भी है और थ्योरी में तो है ही है, तो ऐसी चीज़ें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उनको तो आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे रखा करो पढ़ते टाइम। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे आपको पता ही है। एक तो हम लोग पढ़ेंगे हेलोजिनेशन रिएक्शन, पता है ना ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं पांच तरीके के, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन। तो ये एल्काइलेशन एसाइलेशन तो मैंने दोनों यहाँ लिख दी, अब कौन कौन सी बची, एक हैलोजिनेशन, एक सल्फोनेशन और एक नाइट्रेशन। ठीक है, तो ये तीन रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अमीन्स के यूजेस के बारे में, फिर उसके बाद जो आपका अमीन्स का पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, जो अभी आपका ये जो सेशन चल रहा है ना 2020 से 2021 वाले जो सेशन के बच्चे हैं, क्योंकि इस बार क्या हुआ है ड्यू टू COVID-19 कि हम जिस सरकमस्टांसेस से गुजर रहे हैं, तो CBSE ने आप बच्चों के भविष्य को या फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए थोड़ा थोड़ा चैप्टर्स जो हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है, टॉपिक्स जो हैं वो हर चैप्टर से रिड्यूस कर दिए हैं। तो इसी चैप्टर में यूजेस के बाद आपका पोर्शन आता था डाइजोनियम सॉल्ट, तो डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो हट गया है, तो इसीलिए यूजेस मतलब केमिकल रिएक्शन और यूजेस करने के बाद इस साल के जो बच्चे हैं, इस सेशन के जो बच्चे हैं, उनके लिए ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर एक टॉपिक और बचता है डाइजोनियम सॉल्ट, जो इस सेशन में बच्चों के सिलेबस में नहीं है, पेपर में भी नहीं पूछा जाएगा, बट मैं आप लोगों को कराऊंगी, क्योंकि CBSE ने जो सर्कुलर जनरेट किया था उसमें ये चीज़ पर्टिकुलरली मेंशन की गई थी कि आप बच्चे को हर टॉपिक पढ़ाइए, ये टॉपिक एग्जाम्स में ना तो स्कूल पूछ सकता है और ना ही भाई बोर्ड जो है हटाए हुए टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछेगा, बट ऐसा नहीं है कि भाई आप बिल्कुल मतलब अनटच्ड रहो, आपको हर टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही साथ अगर आगे आप जाते हो एंट्रेंस वगैरह देते हो या आगे फर्दर आप लोग पढ़ाई करते हो, केमिस्ट्री आपका अगर सब्जेक्ट रहता तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ काम ही आएगी। ठीक है, तो डाइजोनियम सॉल्ट में कराऊंगी, पूरा चैप्टर में कराऊंगी, पर मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इस सेशन में डाइजोनियम सॉल्ट आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी अगर आप उसको याद नहीं कर रहे हो, ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो, बट फिर भी मैं कहूँगी कि एक बार आप सुनो ज़रूर कि भाई डाइजोनियम सॉल्ट होता क्या है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि हाँ भाई क्या चीज़ है जो हमारे सिलेबस में एक्चुअल में होती है बट अभी हटा दी गई, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए बेसिक करेक्टर ऑफ अमीन। बेसिसिटी ऑफ अमीन वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, और जितने भी केमिकल रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे उसमें से सबसे बड़ा यही है। तो अब देखिए, जब हम बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ अमीन की, तो अमीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RNH2, मतलब ये मैंने प्राइमरी अमीन लिखा है। अगर आप सेकेंडरी अमीन की बात करोगे तो क्या होगा, R2NH। टर्शरी अमीन की बात करोगे तो क्या होगा, R3N। मतलब चाहे आप प्राइमरी अमीन की बात करो, चाहे आप सेकेंडरी अमीन की बात करो, चाहे आप टर्शरी अमीन की बात करो, नाइट्रोजन पे हमेशा एक लोन पेयर रहता है, और जो भी स्पीशीज़ लोन पेयर डोनेट करने की, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, लुईस बेस। ठीक है, लुईस बेस क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन डोनर। तो अब नाइट्रोजन जो है उसके पास एक लोन पेयर है, अब वो किसी के साथ बॉन्ड तो बना नहीं रहा, तो जब भी इसको रिएक्शन मीडियम में कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज दिखती है, ये जल्दी से उस पर क्या कर देता है, अटैक। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, लुईस बेस। जैसे ही इसको दिखेगा कोई एसिड है सोल्यूशन में, तो अब आपको पता है एसिड की टेंडेंसी क्या होती है, टूट कर एच प्लस देना, एसिड उन्हीं को तो कहते हैं हम कि जो जल्दी से टूटे और एच प्लस दे। ठीक है, तो एसिड कैसे टूटता है, एच प्लस एक्स माइनस, जैसे HCl है तो एच प्लस Cl माइनस, है ना, H2SO4 है तो एच प्लस HSO4 माइनस। तो जैसे ही एसिड टूटता है
एच प्लस की फॉर्म में प्रोटोन देता है, नाइट्रोजन को दिखता है कि हाँ रिएक्शन मीडियम में कोई ऐसी चीज़ आ गई जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या कर देता है उस पे रेडली अटैक, और ये क्या बनाता है, ये बनाता है आर एन, दो हाइड्रोजन पहले से थे, एक हाइड्रोजन और आके जुड़ गया और नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट किए, इसीलिए उस पर कैसा साइन आ गया प्लस का। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, हम इसको लिख देते हैं आर एन एच थ्री। अब ये जो x माइनस है ये भी तो सॉल्यूशन में रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि कहीं गायब हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जो इस x का माइनस चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है अट्रैक्ट, तो वो भी इसके साथ आके जुड़ जाता है और ये क्या बनाता है, ये बनाता है सॉल्ट। सिमिलरली अगर हम बात करें एरोमेटिक अमीन की, ठीक है, तो इसको मैं हटा रही हूँ, आप लोग लिख लेना। अब जैसे कि अगर हम बात करें एरोमेटिक अमीन की, हमारे पास बेंजीन रिंग है और हमारे पास NH2 है, तो जैसे ही इसे क्या दिखेगा H प्लस दिखेगा, ये क्या कर देगा इस पर अटैक और ये क्या बनाएगा रिस्पेक्टिव सॉल्ट। ठीक है, अब जो भी हमारे रिएक्शन में ये जो सॉल्ट बनता है ना, इस सॉल्ट को अगर हम बेस के साथ ट्रीट करा दें तो हमें वापस से अपना जो ओरिजिनल अमीन होता है वो मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको रिएक्शन से समझाऊं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे कि पहले वाली रिएक्शन है, अब ये क्या बना सॉल्ट बन गया। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे इस सॉल्ट से वापस जो है अपना ओरिजिनल अमीन मिल जाए, तो मैं क्या करूँगी, इस सॉल्ट की रिएक्शन करा दूँगी बेस के साथ। अब देखो ये कैसे है, R नाइट्रोजन पे प्लस साइन, एक H ऐसे, एक H ऐसे, एक H ऐसे, और X माइनस जो है इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, अट्रैक्ट हो रखा है। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है 3.0, हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1। वैसे भी नाइट्रोजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, और जब नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाता है जो कि उसके नेचर के अगेंस्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे प्लस चार्ज आ रहा है जो कि उसके नेचर के अगेंस्ट है, तो जैसे ही इस पे प्लस चार्ज आता है ये हाइड्रोजन से और स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करने लगता है। तो ये वाले जो हाइड्रोजन हैं ये क्या हो जाते हैं एसिडिक, मतलब इन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो जैसे जैसे हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आने लगता है हम उसको बोलते हैं कि वो एसिडिक इन नेचर हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही हम इस पे कोई बेस डालते हैं, बेस का तो काम ही यही है प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करना, तो बेस क्या करता है, मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हटा रही हूँ, ठीक है, आप लोगों को लिखनी नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बताती हूँ, कहीं रिएक्शन में आप लिखूँ, तो बेस क्या करता है यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। अब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन, ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन, तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी से अपनी तरफ ले लेगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी कि नाइट्रोजन। तो देखो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका आर नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन और इसे मिल गया लोन पेयर, वापस से बन गया ये अमीन, OH ने H ले लिया, क्या बनाएगा वाटर, और सॉल्यूशन में फिर क्या अलग हो जाएगा, क्या पड़ा रहेगा X माइनस। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई जब आप एसिड और बेस रिएक्शन करा के सॉल्ट बना रहे हो तो आप उस सॉल्ट से वापस अपना ओरिजिनल अमीन जो है वो ऑप्टेन नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, आप क्या करो उसको बेस के साथ ट्रीट करा दो, बेस उसके प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और वापस आपको ओरिजिनल अमीन दे देगा। ठीक है, तो जो जनरली हमारे अमीन्स होते हैं ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं, कैसे होते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं और इनसॉल्यूबल होते हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए।